हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं कि जब किसी शो का बंद होता है या शो में न्यू कास्ट देखी जाती है या फिर किन्हीं स्टारों का इंटरव्यू लिया जाता है, तब पता चलता है कि भाई उस शो में जो है किसको अप्रोच किया गया था, क्या वजह थी जो मना कर दी, जो कि पब्लिक से बहुत छिपी हुई चीज़ें होती हैं और फिर जब वो खुलकर आती हैं तो बहुत आग की तरह वायरल होती हैं। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ गुम है किसी के प्यार में। इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है क्योंकि शो की पूरी कहानी बदलने वाली है, शो में लीप आने वाला है जिसकी जो है खबर हर सोशल मीडिया के पेज या फिर गुम के चाहने वालों के दिमाग में छप गई है। ऐसे में गुम सेकंड पीढ़ी आपने देखी और बहुत प्यार दिया और काफ़ी अच्छी टीआरपी भी निकाली और ऐसे में लगातार शो टॉप 5 में बना रहा, तो कभी नंबर 1, तो कभी नंबर 2, तो कभी नंबर 4, लगातार कहीं ना कहीं टॉप 5 में अपनी जगह बना कर। उसी के बीच में जो है अब न्यूज़ निकल कर आई है कि भाई मेकर्स की जो पहली पसंद थी वो विशाल आदित्य सिंह थी। विशाल आदित्य बहुत ही प्यारे शो हैं जिन्हें फैंस ने कुल्फी कुमार बाजे वाला में जब वो बीच में आए थे तब उन्हें बहुत प्यार दिया था। उसके बाद वो खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में भी नज़र आए या फिर चांद जलने लगा कनिका मन के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। वो काफ़ी बातें इंडस्ट्री की काले चिट्ठे या जो होता है वो साफ बोलते हैं, इसीलिए जल्दी से कह सकते हैं कि उनसे सवाल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में विशाल आदित्य ने कुछ दिन पहले ही बोला था कहाँ से टीआरपी आएगी। कहानी बताते हैं कि भाई आईपीएस की कहानी है, अब वो 2 एपिसोड आईपीएस के दिखाते हैं बस, फिर उसके बाद वो आईपीएस तो भूल ही जाती है कि आईपीएस है कहाँ। ये उन्होंने काफ़ी दिन पहले जब उनका चांद जलने लगा शो बंद हुआ था तब उन्होंने ये बात बोली थी। ऐसे में वो काफ़ी मॉडलिंग करते हैं, हैंडसम हीरो कहलाते हैं, काफ़ी बेस्ट एक्टर हैं, एक्टिंग काफ़ी बेस्ट है। ऐसे में मेकर्स ने उन्हें गुम है किसी के प्यार में जब सेकंड जनरेशन का लीप आने वाला था तब भी अप्रोच किया था, तब उन्होंने कहा था कि वो एट दिस टाइम स्वास्थ्य प्रोडक्शन के साथ जुड़ चुके हैं। फिर उसके बाद जब करणवीर बोहरा अभी जो पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं उनको उनसे पहले आदित्य से ही बात की थी, तो आदित्य को लगा कि 3 वीक के लिए जाना और कोई वो ही नहीं है, या तो फ्रेश शो हो या जो भी है, तो उन्होंने तब मना कर दिया। मेकर्स की हमेशा की पहली पसंद विशाल आदित्य रहा है। ऐसे में जो है फैंस का कहना है जब इतनी ही पसंद थी तो हितेश की जगह जो है ले लेते फिर आप जो विशाल आदित्य को, अब वो मेकर्स ने क्यों नहीं लिया या फिर विशाल से उनकी क्या बात हुई ये इतना तो ज़्यादा डीपली नहीं बता सकते हैं या नहीं पता है, ऐसे में तो वही जानते हैं उनकी आपस में क्या बात हुई। लेकिन अगर विशाल आदित्य भी होते तो क्या टीआरपी उछल कर आ जाती जो 3 वीक के लिए उन्हें लेते, तो या फिर जो है यही टीआरपी आती, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों।